आयरिश लेखक ब्रैम स्टॉकर ने कहा था, मेरा बदला अभी शुरू हुआ है, ये सदियों तक चलेगा और इस बार समय भी मेरे साथ है। बदला लेना एक ह्यूमन फीलिंग है। कोई भी इंसान जिसकी रगों में खून दौड़ रहा हो वो ज़रूर बदला लेना चाहेगा। और यहाँ पे तो बात 140 करोड़ इंडियंस की थी। जी हाँ, ये कहानी है 2010 में हो रहे एशिया कप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। ये महज एक मैच नहीं था, एक बदला था। बदला 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का। आज आप अपने दिलों को थाम लीजिए और कुछ मिनटों के लिए जहां है वहीं रुक जाइए, क्योंकि आज एक ऐसे मैच की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को ये बता दिया था कि ठीक है हार जीत लगी रहती है, पर जब कोई हमें उंगली करेगा तो हम उस उंगली को सामने से हटाते ही नहीं हैं, तोड़ देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा ये मैच वैसे तो सीरीज का चौथा मैच था, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इसी मैच पे लगी हुई थी। दोनों में से जो भी टीम ये मैच जीतती वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाती। अब बारी थी टॉस की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला काफी हद तक सही भी रहा, क्योंकि उनके दोनों ओपनर्स सलमान बट और इमरान फरहत ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी और लगातार चौके लगाते रहे। खासकर सलमान बट, जिसने इंडिया के खिलाफ लगभग हर मैच में रन बनाए। इसी बीच हरभजन ने 17th ओवर की थर्ड बॉल पे इमरान फरहत को सहवाग के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन इस विकेट के बाद भी रन बनने कम नहीं हुए, क्योंकि सलमान बट क्रीज पे थे जो शोएब मलिक के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते पाकिस्तान ने 140 रन बना लिए, और वो भी सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे। यहां से पाकिस्तान बड़ी आसानी से 300 रन बना सकता था, लेकिन इसी ओवर की एक यॉर्कर ने शोएब मलिक की गिल्लियां उड़ा दी। शोएब मलिक के पास जहीर की यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था और वो चारों खाने चित हो गए। इसके तुरंत बाद ही अगले ओवर में जडेजा और धोनी की शानदार जुगलबंदी ने सलमान बट को पवेलियन भेज दिया। दो ओवर बीते ही थे कि भज्जी की एक और बढ़िया गेंद पे कोहली के जबरदस्त कैच ने पाकिस्तान का एक और बल्लेबाज ढेर कर दिया, और इस तरह इंडिया मैच में वापस आ चुका था। इसके बाद उमर अकमल और अफरीदी ने कुछ रन जोड़े, लेकिन फिर से जडेजा की बॉल पे धोनी के बढ़िया कैच ने उमर अकमल का विकेट भी चटका लिया। विकेट का सिलसिला जारी रहा और प्रवीण कुमार ने भी खतरनाक दिख रहे अफरीदी को चलता कर दिया। जहां एक तरफ से विकेट जरूर गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कामरान अकमल लगातार रन जोड़ रहे थे। कामरान अकमल ने आखिरी ओवरों में कई चौके और छक्के जड़ पाकिस्तान को एक अच्छे टारगेट की तरफ ला दिया था। वो सेकेंड लास्ट ओवर में आउट जरूर हुए, लेकिन उनकी 41 बॉल्स पे 51 रन्स की पारी ने पाकिस्तान की टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गया और भारत के सामने 268 रन का टारगेट रखा। ये स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। पाकिस्तान के बॉलर्स थे शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, अब्दुल रजाक और मिस्ट्री स्पिनर सईद अजमल, और इनके सामने 268 रन चेस करना 368 रन चेस करने के बराबर था। अब भारत की इनिंग शुरू हुई और उस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे गौतम गंभीर ने अपने अच्छे फॉर्म को जारी रखते हुए शानदार शॉट्स लगाए। आलम यह था कि उस इनिंग में सहवाग एकदम शांत थे और गंभीर बाउंड्रीज लगाए जा रहे थे। सहवाग ने भी हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन वो रज्जाक की बॉल पे अकमल के हाथों कॉट बिहाइंड हो गए। ताजुब की बात ये नहीं थी कि सहवाग ने उस मैच में 10 ही रन बनाए। ताजुब की बात ये थी कि पहली बार ऐसा देखने को मिला, उन्होंने 32 बॉल पे 10 रन बनाए। इसके बाद गंभीर और कोहली ने थोड़े ही रन जोड़े थे कि अजमल की एक फिरकी कोहली को चकमा दे गई और भारत ने अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया। 18 ओवर के बाद भारत अपने 2 विकेट गंवा चुका था, और हर विकेट पे पाकिस्तान ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था मानो वो अपनी खुशी नहीं बल्कि गुस्सा निकाल रहा हो। पर कोई नहीं, कहानी तो अभी बाकी थी। इसके बाद गंभीर और धोनी की एक शानदार साझेदारी देखने को मिली। ऐसी साझेदारी जो आपको ठीक 2011 वर्ल्ड कप में हुई साझेदारी की याद दिला देगी। दोनों ने मिलकर खूब चौके और छक्के जड़े और लगातार पारी को आगे बढ़ाते रहे। पर इस मैच में 34वें ओवर की लास्ट बॉल पे जो हुआ उसने भारत के लिए इस मैच को जीतना एशिया कप के जीतने से भी ज्यादा जरूरी बना दिया। 34वें ओवर की लास्ट गेंद पे अजमल की एक बॉल जहां गंभीर के बैट को दूर दूर तक छू भी नहीं पा रही थी, अकमल फिर भी पागलों की तरह बीच बीच में अपील करने लगे और अंपायर्स ने अपील को नकार दिया। अकमल उस मैच में बार बार
बेवजह अपील करे जा रहे थे, तो किसी को तो उनको जवाब देना ही था। ड्रिंक्स होते ही गंभीर अकमल की अकल घुटनों से निकालकर दिमाग में डालने चल दिए और पूरी पाकिस्तान की टीम वहां इकट्ठी हो गई। वो तो भला हो धोनी का कि वो गंभीर को ले गए, वरना भज्जी और श्रीशांत का किस्सा कुछ साल पहले ही मैदान पे घट जाता। धोनी ने उस लड़ाई को शांत जरूर करवा दिया, लेकिन भूले नहीं, क्योंकि ड्रिंक्स के जस्ट बाद अख्तर के आते ही उन्होंने छक्का जड़िए बता दिया कि हम शब्दों से ज्यादा पल्ले से जवाब देने में विश्वास रखते हैं। पर अगले ओवर में गंभीर अजमल के हाथों बोल्ड हो गए और फिर अजमल का सेलिब्रेशन भारतीयों को रास नहीं आ रहा था। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक छोटी पारी खेल धोनी का साथ जरूर दिया, पर क्रूशियल मौके पे वो भी अफरीदी की बॉल पे LBW हो गए। लेकिन दुख का पहाड़ भारत पे तब टूट पड़ा जब धोनी एक खराब बॉल पे प्ले डाउन हो गए। पाकिस्तान खुशी से झूम उठा और पाकिस्तानी फैंस नाचने लगे। अब पिच पे भारत की तरफ से दोनों ही नए बल्लेबाज सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा थे। ये वो वक्त था जब रविंद्र जडेजा एक बॉलर के रूप में खेलते थे और उतने अच्छे बैट्समैन भी नहीं थे, और धोनी के आउट होने के बाद भारत का रन रेट इतना नीचे गिर गया था कि एक समय भारत को 30 गेंदों पे 49 रनों की जरूरत थी। तभी एक बॉल पे जडेजा भी अजमल के हाथों बोल्ड हो गए। अब रैना का साथ देने पिच पे आए हरभजन सिंह। अब यहाँ से जो भी होने वाला था वो अपने आप में इतिहास बनने वाला था, क्योंकि रैना ने उसी ओवर में अजमल को पहले एक चौका जड़ा और फिर एक छक्का जड़ भारत को मैच में वापस जिंदा कर दिया। अब भारत को जरूरत थी 24 गेंदों में 36 रनों की, और शोएब अख्तर के आखिरी ओवर में भज्जी ने एक बड़ा छक्का मार अपने इरादों को जाहिर कर दिया था, और रैना ने भी फिर अख्तर को चौका मारकर गेम को भारत के खेमे में लाके रख दिया। अब भारत को जरूरत थी 7 गेंदों में 7 रनों की। यहां से भारत आसानी से मैच जीत सकता था, लेकिन मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था, इतनी आसानी से कैसे खत्म हो जाता। अख्तर ने अपने ओवर की लास्ट बॉल डाली और भज्जी उसे पुल करते हुए मिस कर गए, और अख्तर ने उन्हें पता नहीं क्या बोला, पर जो भी बोला वो भज्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल जब डाली गई तो रैना स्ट्राइक में आने की कोशिश में रन आउट हो गए। अब भारत को 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, और उधर पाकिस्तान की उम्मीदें जग चुकी थी। अब ये मैच वो जीत सकते थे। रैना का विकेट गिरने के बाद भी अख्तर भज्जी के पास आए और फिर उन्हें कुछ सुनाने लगे, और अब भज्जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था, क्योंकि जब मैच की सेकंड लास्ट बॉल पे भज्जी ने छक्का जड़ भारत को मैच जिताया तो उनके छक्के की लंबाई ने बता दिया कि वो इस छक्के से सिर्फ मैच जिताना नहीं चाहते थे, बल्कि एक संदेश भी देना चाहते थे कि जब तक शांत हैं ठीक हैं, लेकिन अगर उंगली करोगे तो पेले जाओगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।